कर रही हो? कुछ नहीं। कहाँ जा रही हो? अच्छा बताओ। टेंपल? टेंपल तो नहीं जा रहे हम लोग। सुबह से गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में कुछ नहीं खिलाया क्योंकि आज हम लोग लेट से निकले थे, इसलिए अब सजा मिली थी सुबह से भूखे बैठने की गाड़ी में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो जैसा कि आपको पता ही चल गया कि हम लोग आज जा रहे हैं नंदी हिल्स घूमने, जो कि बैंगलोर से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले थे बट लेट हो गया। कौन सा टेम्पल है शनिका? भद्रकाली अम्मा टेम्पल। नहीं, ऊपर नहीं जा रहे, हिल के टॉप पे जा रहे हैं। एकदम टॉप जैसे ये। तो हम लोग आ गए हैं नंदी हिल्स टॉप पे बस की हेल्प से। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लगे थे, 5 मिनट उन्होंने गाड़ी अपनी बस रोक करके पैसेंजर्स का वेट किया था और 5 से 7 मिनट में हम लोग यहाँ पे आ गए थे। और बस यहाँ पे एक मंदिर है, इसके बाद सनसेट पॉइंट है और सनराइज पॉइंट है, वो दोनों तो चलेंगे बट ऐसा कोई बेनिफिट है नहीं क्योंकि अभी तो सूरज सर पे आ चुका है। तो ऊपर आने के बाद अब यहाँ पे है कि अभी समय सनसेट और सनराइज तो है नहीं, तो ये व्यू है। वहाँ पे एक शेडेड रीजन था, वहाँ से सब लोग देख रहे थे, फ़ोटो क्लिक्स कर रहे थे, तो हम लोग भी वहाँ पे जा कर के देखे। तो इस तरीके का व्यू था वहाँ से देखने के बाद। वहाँ पे फ़ोटोज़ करने के बाद जैसे ही हम टर्न हुए तो पता चला हमें कंपनी देने के लिए कुछ और साथी भी आ चुके थे और सब लोग वहाँ से चले गए थे, सिर्फ हम ही लोग बच गए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अब जब फंस ही गए हैं तो थोड़ी देर इनको इनके साथ भी समय बिता लिया जाए। क्या हो गया? यहाँ कौन छुपा है? अच्छा निकलो, उठो उठो, बताओ कैसा लगा तुमको बंदरों के बीच रह के? उठो आओ, हम लोग जा रहे हैं, फिर अकेले हो जाओ। सो बंदरों के चंगुल से किसी तरीके से बाहर निकल के आए हम। असल में वहाँ पे किसी ने उन्होंने खाना देना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से वो सारे बंदर इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे। वो वहाँ से हम जैसे ही बाहर निकले तो जो एग्जैक्टली व्यू पॉइंट था वहाँ पे बेंचेस लगी हुई थी बैठने के लिए, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर बैठ करके सनसेट ना सही लेकिन सर पे खड़ी धूप का ही आनंद लिया जाए, तो हम लोग वहाँ पे बैठ गए थे। और यहीं पे पास में एक मंदिर भी था इसी हिल पे, तो अब हम सोच रहे थे कि वहाँ पे भी जा कर के दर्शन कर ले। तो वहाँ से लौटने के बाद फिर हम लोग ये मंदिर के अंदर गए। बहुत ही पुराना मंदिर था, आर्किटेक्ट बिल्कुल वैसा ही था, मतलब कुछ भी इसमें ज़्यादा चेंज नहीं किया गया था, उसी तरीके को मेनटेन करके रखा गया था, बिल्कुल गुफा की तरह मंदिर था छोटा सा। तो ये है मंदिर का दरवाज़ा और यहाँ से हम अंदर जाएंगे। और मैं मूर्तियाँ नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैंने मंदिरों में बहुत डांट खाई है वीडियोस बनाने के चक्कर में, तो इसलिए अब मैं मूर्तियों की वीडियोग्राफी करती ही नहीं हूँ, वो अलाउ हो या ना अलाउ हो। तो अंदर कुछ लकड़ियों का डिज़ाइन भी रखा था और उसके बाद फिर हम बाहर आए। तो ये था एग्जैक्टली व्यू पॉइंट, मतलब अगर थोड़ा सा भी बादल होता है तो फिर यहाँ पे खड़े होकर के ऐसा फील होता है कि आप बादलों के अंदर हैं, क्योंकि ये पहाड़ ऐसा है कि आधा बादलों में आ जाता है और आधा उसका नीचे रहता है। सो व्यू पॉइंट से नज़ारा देखने के बाद में लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो हम लोग वहीं पास के रेस्टोरेंट में जा कर के बैठे। लेकिन वहाँ पता चला कि सर्विस बहुत लेट थी क्योंकि बहुत सारे कोरियंस आए हुए थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कहीं और ही जा कर खाएंगे कुछ। बिकॉज़ रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कोरियन टीम आई हुई थी कुछ, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बाहर चलेंगे और फिर उधर कहीं पे लंच और डिनर। खतरनाक भीड़ है, तो इसलिए शनिका को डर लग रहा है ना शनिका? तो वहाँ से वापस लौटते हुए हमें ये खंडहर सी जगह दिखी थी। तो ये असल में ये कुछ खास जगह थी, जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें शनिका का एक दोस्त भी मिल गया जो कि सो रहा था एक्चुअली। और ये जगह थी टीपू सुल्तान का रिसॉर्ट कह सकते हैं, कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी अदर जगहों पे तो अपनी छुट्टियां बिताने वो यहाँ पर आते थे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन इस बोर्ड पे लिखी हुई थी, यही पढ़ के मुझे पता चला कि ये टीपू सुल्तान का रिसॉर्ट एरिया था। और यहाँ से निकलने के बाद जब हम थोड़ा सा नीचे पहुँचे, मतलब पार्किंग के पास पहुँचे, तब तक सभी की एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, श्रेणिका तो थक के बिल्कुल बैठ चुकी थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि बटर मिल्क पीते हैं और उसके बाद नीचे जा कर के कुछ अच्छा सा हम लोग खाएंगे। बटर मिल्क भी बहुत अच्छा था क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी। मज़ा आया? खाई मसाला दूध। मसाला दूध? बटर मिल्क था वो? अरे बटर मिल्क,
इंशाल्लाह। तो ये था मेरा छोटा सा नंदी हिल्स का व्लॉग, कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और ये भी बताइएगा कि आप लोग मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, यूट्यूब से या फिर फेसबुक से। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को।